हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चाप मसाला। उसके लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक कटा हुआ प्याज, दो टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और सोया चाप मसाला का पाउडर। ये सोया चाप मसाला का पाउडर आप बाहर से कहीं से ले सकते हैं, ये इजीली अवेलेबल होता है। दो हरी मिर्च कटी हुई, ये फ्राइड सोयाबीन है, मैंने इसको काट रखा है। आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं, मैंने इसको काट कर फ्राई कर लिया है ऑयल में। और ये है क्रीम। ये सब्जी का मसाला है, ये आपको इजीली अवेलेबल मिलेगा मार्केट में। ये रेड कलर का है सब्जी में डालने के लिए ताकि रंग अच्छा आए। और ये है नमक। तो अब हम पैन को गरम करेंगे। जब तक हमारा पैन गरम हो रहा है, हम पेस्ट बना लेते हैं प्याज का और दो टमाटर का। देखिए, जैसे मैंने एक प्याज का पेस्ट अलग से बना लिया है और टमाटर का भी पेस्ट बना लिया है, तो हम सब्जी बनाते हैं। आप देख सकते हैं हमारा फ्राई पैन गरम हो गया है, ऑयल भी गरम हो गया है। इसमें हम सबसे पहले प्याज का पेस्ट डालेंगे। इसको धीरे धीरे मिलाते रहें। अब 5 मिनट तक इसको ऐसे ही पकने दें। आपको ये जब तक पकाना है, जब तक कि प्याज का जो रंग है लाइट ब्राउन ना हो जाए और इसकी खुशबू भी बंद हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो प्याज का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, लाइट ब्राउन हो गया है और इसमें से तेल भी अब दिखने लगा है और ये हल्का हल्का चिपक भी रहा है, मतलब ये प्याज पक गया है। अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे, टमाटर का पेस्ट। हल्के हाथ से मिलाएंगे इसे। इसे भी हम 5 मिनट तक पकाएंगे, जब तक इसमें से ऑयल ना निकलने लग जाए। धीरे धीरे इसको ऐसे स्टर करते रहें। देखिए कैसे ये पक गया है, ऑयल कैसे चमक रहा है। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक मैं सबसे पहले इसे डाल दूँ, इससे कि अगर थोड़ा नहीं पका भी होगा, थोड़ा कच्चा होगा, तो नमक से और अच्छे से जल्दी से पक जाएगा। आप नमक अपने हिसाब से डालिए। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, मैंने बना रखा है। इसमें हल्दी डालेंगे। अब हल्दी आप 1 चम्मच हल्दी डाल सकते हैं इसमें। मिलाने के बाद लाल मिर्च डालेंगे 1/2 चम्मच। अब हम इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे, ये भी 1/2 से 1/4 चम्मच आप धनिया पाउडर डाल सकते हैं। और अब सोया चाप मसाला डालेंगे। सोया चाप मसाला आप मार्केट से खरीद सकते हैं। अब मसाला डालने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे कि मसाला जले ना। देखिए कैसे मसाला जो है पक गया है और ऑयल दिख रहा है।
और हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे। क्रीम से जो है आप सब्जी के अंदर बटरी टेस्ट आएगा और एक अलग ही सब्जी में फ्लेवर ऐड ऑन करेगा। इसके अंदर हम फ्राइड सोया चाप डालेंगे, धीरे धीरे इसको मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इसको 2 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे ताकि जो सोया चाप है हमारी वो सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसके अंदर हल्का सा पानी डालेंगे, आप चाहो तो आप दही भी डाल सकते हो, 2 चम्मच की मर्जी है। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। अब हम इसके अंदर कलर डालेंगे, सिर्फ हल्का से एक चुटकी आपको कलर डालना है। देखिए कैसी सब्जी का जो रंग है वो थोड़ा डार्क रेड हो गया है। हम इसके अंदर जो हमने मिर्च काटी थी वो डालेंगे। अब देखिए जैसे अब हमारी सब्जी जो है रेडी हो गई है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब हमारी डिश तैयार है, सोया चाप मसाला। मेरे चैनल को देसी जायका को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखने के लिए थैंक यू।